दोस्तों शाओमी ने अपना मी 9 बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पर लॉन्च किया और वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस और उसका गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ऐसा मिलने वाला है जैसा अभी तक आपको किसी फ़ोन में नहीं मिला। तो आज इस वीडियो में हम MI 9 के बारे में यानी कि मी 9 के बारे में बात करने वाले हैं जो आज चाइना बीजिंग में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों मेरा नाम है एमके सिंह और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर टैक ट्रैवल और टेक्निकल अवेयरनेस की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले से, जो यहाँ पर आपको 6.39 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी और एक आपको बहुत ही अच्छी प्यारी वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ पर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो फ़ोन का लुक है और डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है आपको और आपको इसको देखने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आती है जब ये फ़ोन आपके हाथ में आएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा। और साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये MIUI 10 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई के सपोर्ट के साथ में आपको मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जी हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें स्मार्टफोन को लेते वक्त जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर फ़ोन की मैं मानता हूँ कि 80% परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। फ़ोन आपका कैसा परफॉर्म करने वाला है वो सभी प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 7 नैनोमीटर पर बना हुआ स्नैपड्रैगन का 855, जो कि मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका हूँ। जब क्वालकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन 855 लॉन्च किया था उसी टाइम मैंने स्नैपड्रैगन के 855 की जो पूरी वीडियो है वो बना डाली थी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि हमारा स्नैपड्रैगन का 855 कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्मार्टफोन की दुनिया में अभी तक लॉन्च होने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। जहाँ पर आपको सिंगल कोर 2.84 GHz पर क्लॉक मिलती है, बाकी के जो 3 कोर हैं वो 2.42 GHz पर और बाकी के जो 4 कोर बची वो आपको क्लॉक स्पीड मिलती है वहाँ पर 1.8 GHz। अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एड्रिनो का 640 यानी कि जो एड्रिनो का लेटेस्ट GPU है वो मिलने वाला है, जिससे आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी जितनी भी गेम है हाई डेफिनेशन गेम भी बिल्कुल एडवांस सेटिंग पे भी बिल्कुल स्मूथ पानी की तरह यहाँ पर चलने वाले हैं। तो गेमिंग डिपार्टमेंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर देखा जाए तो मी 9 जो लॉन्च किया गया है वो गेमिंग को देखते हुए भी लॉन्च किया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसके कितने वेरियंट्स अभी आने वाले हैं और आपको ये 4 कलर्स में अवेलेबल होगा जो आपके सामने इसके स्क्रीन पर हैं। चूँकि ये एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको कैमरा भी फ्लैगशिप लेवल का ही मिलने वाला है और सेटअप भी यहाँ पर आपको डुअल नहीं ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल के 3 सेंसर देखने को मिलते हैं। जो आपका 48 मेगापिक्सल है वो आपका प्राइमरी सेंसर है जिसका एपर्चर है f1.75 और आपको हम ये बता दें कि ये जो इसमें सेंसर यूज़ किया गया है वो सोनी का IMX586 जो कि फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। प्राइमरी कैमरा आपको बीच में मिलता है मिडिल में और जो ऊपर की तरफ आपको जो कैमरा मिलता है वह 12 मेगापिक्सल का जो कि टेलीफोटो लेंस है, जहां पर आपको 2x लॉसलेस जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आपके फ़ोन की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो आपको तीसरा सेंसर मिलता है वहां पर वो मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको यूज़ किया गया है सेंसर को सोनी का IMX481 और ये आपको हेल्प करेगा 117 डिग्री यानी कि 117 डिग्री वाइड एंगल पिक्चर क्लिक करने के लिए। ये तो था इसका रियर कैमरा सेटअप जो कि बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ पर थोड़ी जो मात खाई है, थोड़ी बहुत कमी आई है इस फ़ोन के अंदर, वो मुझे देख के लगा इसके फ्रंट कैमरे को। जी यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है सिर्फ 20 मेगापिक्सल का, जबकि आपको वीवो V15 प्रो में 32 मेगापिक्सल का कैमरा भी सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा मैं ये सोच सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज में एक थोड़ा सा कॉन्स हो सकता है इस फ़ोन के लिए। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पर आपको मिली है 3300 mAh की। थोड़ा आपको देख के शौक लग रहा होगा कि यार MI इतनी कम बैटरी दे रहा है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा और ये इसका कौनस हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको इस कम बैटरी को दूर करने के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और आपको आउट ऑफ द बॉक्स 27 वाट का फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर एडेप्टर मिल जाता है और साथ में आपको 20 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलता है। तो ऐसी कोई बैटरी के बारे में प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रोसेसर है वो भी 7 नैनोमीटर का है, तो आपकी जितनी बैटरी चलती है
नॉर्मल फ़ोन्स में जिसमें 14 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर के प्रोसेसर होते हैं, तो उससे यहाँ पर ये डबल चलने वाली है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फ़ोन अच्छा बुरा उसके प्राइस के हिसाब से होता है, तो आज हम इसके प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका बेस वेरियंट जो लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है 6GB 128GB का, और जिसकी जो प्राइस रखी गई है वो चाइना के अंदर 2999 युआन रखी गई है, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें, इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग 31,499 के आसपास जाकर के बैठता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको एक स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है और बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल के आपको यहाँ पर फंक्शंस मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप 30,000 के आसपास कोई भी फ़ोन खरीदना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको मिलता है यहाँ पर 8128 का, जिस आपको रखा गया है इसकी कीमत 3,299 के आसपास और जो इंडियन मार्केट के हिसाब से 34,999 के आसपास बैठती है। एक वेरिएंट इन्होंने और लॉन्च किया है जो है कि 12GB 256GB, जो कि स्पेशली गेमर्स के लिए होता है ताकि आपका फ़ोन में गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छी चल सके, क्योंकि गेमिंग का डाटा और हैवी गेम्स का जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आपको इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल नहीं पाता है कम रैम होने की वजह से और कम इंटरनल जीबी डाटा होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर दी गई है और आपको यहाँ पर 12GB और 256GB का सपोर्ट मिला है और इसकी प्राइस रखी गई है यहाँ पर आपको 3,999 युआन, जिसकी कीमत अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 42,999 के आसपास ये बैठता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 42,500 रुपये का हमें ये फ़ोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोनस हैं जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं गेमिंग के हिसाब से, तो वो सब 50+ ही आते हैं, तो गेमिंग वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग अगर गेमिंग का ज़्यादा शौकीन है और आपके पास पैसा भी काफ़ी है तो और आप फ़ोन लेना चाहते हैं फ्लैगशिप लेवल का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बाकी आपको सारे सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है और बहुत ही अच्छी बातें हैं यहाँ पर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा MI का Mi 9, तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने ओपिनियंस आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए। अगर आपका कोई भी सलाह या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।